हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम आयुर्वेदिक रिफिल बना सकते हैं घर पे ही। अगर इससे पहले कि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, हमें जो है घर पे रिफिल बनाने के लिए एक खाली ये चाहिए, जो मशीन हो, किसी भी मशीन का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो घर पे यूज़ ना होने पर हम इसे गिरा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें एक ये रिफ़िल ले लेना है। फिर हमें ये नीम का ऑयल किसी भी किराने स्टोर या जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये हमें नीम का ऑयल लेना है। फिर हमें ये कपूर की टिकिया लेनी है। इसी से हम बनाएंगे कि किस तरह से हम हर्बल मच्छर भगाने के लिए बना सकते हैं। वैसे जो हम लाते हैं गुड नाइट हो, मोर्टिन हो, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस में बड़ी दिक्कत होती है, उसमें दवा की भी शिकायत बनती है। और बच्चों को, तो छोटे बच्चों को अधिकतर खांसी की दिक्कत होती है, वो खांसते रहते हैं, खांस खांस के परेशान हो जाते हैं। अगर इससे हमें एक फार्मूला मिल जाए कि हम आयुर्वेदिक हर्बल मच्छर भगाने का बना सकते हैं, तो क्यों ना हम बनाएं और इसे क्यों ना यूज़ करें, जिससे कि हम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों को। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये नीम का ऑयल, ये देखिए नीम का ऑयल कहीं से भी मिल जाएगा आपको, ऐसा ले लीजिए। फिर आप जिस कपूर की टिकिया है इसको आपको पीस कर इसकी चूरा बना लेना है। किसी भी तरह से आप इसे रखिए, ऐसे जैसे मर्जी हो आप इसे चूरा बना लीजिए। देखिए, यस, कूट कूट के आप इसे चूरा बना लीजिए। फिर आप अच्छी तरह से चूरा बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आप ये जो रिफ़िल है, खाली रिफ़िल है, इसे खोलिए। ये खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई भी खोल सकता है। फिर आपको ये चूरा जो बनाया है हमने, ये आपको इसमें धीरे धीरे करके डालना है। हेलो दोस्तों, चूरा बनके तैयार हो गया। आपको इस रिफ़िल के अंदर ये पहले चूरा डाल लेना है। चूड़ा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर आप इसे धीरे धीरे करके बुरादा की तरह चूड़ा कर लीजिए और आप इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, चूड़ा डल गया इसमें। ये कपूर का चूड़ा है, ये हमारे वातावरण तथा हवा को जो है शुद्ध करता है। इससे कोई हमको हानि नहीं होती। ये अगर हमारे हवा में हो या फिर घर पे हो तो हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कहीं ऑक्सीजन की भी कमी है तो ये घर पे अंदर ऑक्सीजन को कमी करता है। और जैसे सैन फ्लू में सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सांस लेने में हमारी मददगार सिद्ध करता है। और नीम का तेल, ये तो जानते हैं आप कि नीम के जो पेड़ से ये फल होता है, नीम के पेड़ से जो उसे नीम के तेल बनाया जाता है, ये नीम ऑयल है, ये हमारे कुदरती एक ऑयल है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसे आपको इस रिफ़िल के अंदर डालना है। ये देखिए दोस्तों, रिफ़िल के अंदर मैंने ये डाल दिया। अब ये रिफ़िल तैयार हो गया। फिर आपको ये लगाना है, ये लीजिए, ध्यान रहे दोस्तों, पर आपको ये जो लगा के है इसे हिलाना है कि इसका जो कपूर जो हमने अंदर डाला है वो अच्छी तरह से घुल जाए। इससे जो असर अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, ये बन गया। आप इसे मच्छर भगाने के लिए तैयार हो गया। ये थोड़ा सा साफ कर लीजिए। ओके दोस्तों, ये देखिए अब ये मशीन में फिट हो गया। अब इसे हम
यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बन गया हर्बल मच्छर भगाने का रिफिल, तैयार हो गया, भर गया, घर पे ही हम भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।